नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 23 अगस्त। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले हमारे सभी व्यूअर्स के लिए अहम सूचना। अगर आप रोजगार की तलाश में बैठे हैं और आपको रोजगार से जुड़े समाचार की तलाश है तो आप हमारे YouTube चैनल GOBPVT को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ज्ञात हो हमारे चैनल पर आपको डेली प्राइवेट से लेकर सरकारी नौकरी की ताजा जानकारी मिलेगी। अब चलिए बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। बिहार पुलिस की गश्ती में अब नहीं चलेगी सुस्ती। बिहार के इन 11 जिलों में हो रहे हैं सबसे अधिक सड़क हादसे। अब स्कूल नहीं जाने वाले छात्रों पर ऐप से रखी जाएगी निगरानी। बिहार में मजबूत और दुरुस्त होगी सड़कें। राजनीतिक दलों के झंडे बैनर लगाए तो पंचायत चुनाव में रद्द होगी उम्मीदवारी। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। मैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड मैंगलोर मेस्कॉम ने निकाली रिक्तियां। मैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड मैंगलोर ने ग्रेजुएट अप्रेंटिस तकनीशियन अप्रेंटिस के कुल मिलाकर 200 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में BE या BTEC में डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 5 सितंबर 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.mescom.org.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक से जाकर ले सकते हैं। बिहार में 1 अक्टूबर से शुरू होगा बालू खनन। लंबे समय से बंद पड़े बालू खनन की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू होने वाली है। सरकारी जानकारों की माने तो बिहार में 1 अक्टूबर से बालू खनन का काम फिर से शुरू होने वाला है। हालांकि इस बार खनन शुरू होने के साथ ही अवैध खनन समेत अवैध बिक्री और ढुलाई पर नियंत्रण के लिए सख्ती बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही मुख्यालय स्तर से निगरानी की व्यवस्था करने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जिसको लेकर नदी घाटों पर खनन की ड्रोन से मॉनिटरिंग, चालान की जाँच सहित हाईटेक व्यवस्था से निगरानी की जाएगी। इसके साथ ही संवेदनशील नदी घाटों की पहचान कर अतिरिक्त सुरक्षा बल के माध्यम से जांच सुनिश्चित की जाएगी। इसका मकसद नदी घाटों से सरकार को मिलने वाले राजस्व में बढ़ोतरी और आम लोगों को उचित दर पर बालू उपलब्ध करवाना है। बिजली चोरी की कोशिश करते ही कंट्रोल रूम को मिल जाएगी सूचना। बिहार में बिजली चोरी की समस्या आम है। हालांकि अब बिजली चोरी करने वालों की खैर नहीं रहने वाली है, क्योंकि स्मार्ट मीटर से छेड़छाड़ करते ही बिजली चोरी करने वाले की पोल खुल जाएगी। बिहार सरकार बिजली चोरी पर नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से ही बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की योजना पर काम कर रही है। विभाग को उम्मीद है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगते ही बिजली चोरी की संख्या में कमी आने लगेगी। वर्तमान समय की बात करें तो लगभग 2 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं। वहीं इन मीटरों से छेड़छाड़ कर बिजली चोरी के मामले 3 अंकों तक भी पहुंच गए हैं। इसका कारण यह है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर विशेष तकनीक से बनाया गया है, जिसमें बिजली चोरी की किसी भी कोशिश की जानकारी तुरंत बिजली कंपनी के कंट्रोल रूम को मिल जाती है। इसके बाद बिजली कंपनी की टीम उपभोक्ता के यहां पर सीधा पहुंचकर कार्रवाई कर सकती है। स्नातक पास बेटियों के खाते में 50,000 भेजेगी बिहार सरकार। बिहार में इंटर और स्नातक पास अविवाहित लड़कियों के लिए खुशखबरी। 31 अगस्त तक मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत पहली किस्त के रूप में जारी की गई 30 करोड़ प्रोत्साहन राशि सभी कन्याओं के खाते में चली जाएगी, जिसके तहत राज्य की 12,000 स्नातक पास अविवाहित लड़कियों को 50,000 रुपए मिलने वाले हैं, जो कि इंटर के पास करने वाली लड़कियों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 25,000 दिए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाई जा रही है। लाभार्थियों को शीघ्र प्रोत्साहन राशि उपलब्ध हो सके, इसको लेकर उनके आवेदनों के निष्पादन की प्रक्रिया की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। पुलिस की गश्ती में अब नहीं चलेगी सुस्ती। राज्य के पुलिस वाहनों में अब और ज्यादा व्यवस्था की जाने वाली है। यही कारण है कि पुलिस गश्ती और घटनास्थल पर पुलिस अफसर के पहुंचने की मॉनिटरिंग का पुख्ता इंतजाम होने वाला है, क्योंकि जल्द ही राज्य के पुलिस वाहनों में GPS लगाने का काम पूरा होने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार यह काम 95% पूरा हो चुका है। पुलिस की तमाम गतिविधियों का ब्यौरा अभी राज्य के सभी थाने, जिला पुलिस कार्यालयों से पुलिस मुख्यालय तक पुख्ता हो रहा है। रात में गश्ती के दौरान पुलिस वाहन कहाँ थे, उनकी ड्यूटी कहाँ लगी थी, पुलिस अधिकारी इस घटनास्थल पर कितनी देर से पहुंचे, इन सब का ब्यौरा अभी राज्य के सभी थाना, जिला पुलिस कार्यालय से पुलिस मुख्यालय तक पुख्ता हो रहा है, जिसके बाद आने वाले समय में ये और ज्यादा उम्मीद जताई जा रही है कि पुलिस की गश्ती में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
मंगलवार से बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग पर लगाई जाएगी रोक। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है, इस बाबत अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इसके साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। अधिसूचना के साथ ही सभी जिलों के पंचायत निकाय क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी और यह संबंधित जिले के अंतिम चरण के विधिवत रूप से रिजल्ट की घोषणा तक प्रभावी रहेगी। मॉडल कोड लागू होने के साथ ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, निर्वाचित पदाधिकारी, सहायक निर्वाचन पदाधिकारी और जिला निर्वाचन पदाधिकारी की तरफ से मनोनीत उप निर्वाचन पदाधिकारी के स्थानांतरण पर रोक लग जाएगी। इतना ही नहीं, निर्वाचन कार्य से जुड़े अन्य क्षेत्रीय पदाधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर पर भी रोक लगा दी जाएगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार, राज्य सरकार के मंत्रियों के सहित किसी भी व्यक्ति की तरफ से चुनाव कार्य और चुनाव संबंधी यात्रा के लिए सरकारी वाहन का उपयोग पर भुगतान के आधार पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अब आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जिले के मौसम का हाल। आईएमडी पटना की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर पश्चिमी बिहार के जिले पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण और गोपालगंज जिले में आज अधिकतर जगहों पर बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तर मध्य बिहार के जिले सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर में भी अधिकतर जगहों पर बारिश होने का अनुमान है। उत्तर पूर्व बिहार के जिले सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया जिले में भी आज अनेक जगहों पर बारिश होने का अनुमान है। वहीं दक्षिण पश्चिम बिहार के जिले बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल के कुछ ही स्थानों पर बारिश होने का अनुमान है। दक्षिण मध्य बिहार के जिले पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय और लखीसराय जिले के कुछ ही जगहों पर हल्की बारिश होने का अनुमान है। वहीं दक्षिण पूर्व बिहार के जिले कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया के जिले के कुछ स्थानों पर बारिश होने का अनुमान है। बिहार के इन 11 जिलों में हो रहे हैं सबसे अधिक सड़क हादसे। बिहार के 11 जिले में सड़क दुर्घटना रोकने को विशेष पहल की गई है। परिवहन विभाग ने इस बाबत जिलों के डीएम को दिशा निर्देश भेजा है। परिवहन विभाग की तरफ से की गई समीक्षा में ये पाया गया है कि बिहार के 27 जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है, लेकिन अभी भी 11 जिले ऐसे हैं जहां दुर्घटनाएं सामान्य से अधिक हो रही है। इसमें जहानाबाद, बेतिया, नालंदा, सीतामढ़ी, बक्सर, सहरसा, रोहतास, गोपालगंज, वैशाली, बांका, भागलपुर जिले शामिल है। विभाग ने इन जिलों के अफसरों को दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए एक महीने का समय दिया है। इसके साथ ही परिवहन विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य भर में हाईवे, ग्रामीण सड़कों और शहरी इलाकों में दिन रात पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए ताकि सड़क दुर्घटना को कम किया जा सके। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे श्री कृष्ण सिंह की। श्री कृष्ण सिंह का जन्म बिहार के शेखपुरा जिले में 21 अक्टूबर 1887 को हुआ था। वो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। श्री बाबू और बिहार केसरी के नाम से उन्हें जाना जाता था। राष्ट्रवादी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ साथ डॉक्टर अनुराग नारायण सिंह और श्री बाबू को आधुनिक बिहार की वास्तुकला में माना जाता था। उन्होंने वैद्यनाथ धाम मंदिर देवघर में दलितों के प्रवेश का नेतृत्व किया। वो जमींदारी प्रथा को समाप्त करने वाले पहले मुख्यमंत्री थे। उन्होंने आखिरी सांस 31 जनवरी 1961 को राजधानी पटना मिली थी। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना बिहार में होगा महंगा। अब बहुत जल्द कमर्शियल लाइसेंस की तरह निजी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में भी मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल का सर्टिफिकेट देना अनिवार्य होने वाला है। इसको लेकर परिवहन विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना और भी महंगा हो जाएगा। फिलहाल इसको लेकर शुल्क कितना होगा ये तय नहीं किया गया है। वर्तमान समय की बात करें तो निजी दोपहिया और चार पहिया गाड़ी चलाने के लर्निंग लाइसेंस का शुल्क ₹740 है और उसके बाद फाइनल लाइसेंस के चालान शुल्क को मिलाकर ₹2300 लगते हैं। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लागू होने के बाद वाहन चालक को ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के लिए अलग से शुल्क अदा करना होगा। बिहार में मजबूत और दुरुस्त होंगी सड़कें। बिहार की सड़कों को और भी चुस्त और दुरुस्त करने की सरकार की कोशिश है। यही कारण है कि राष्ट्रीय उच्च पदों की तर्ज पर बिहार के राजकीय उच्च पदों की रखरखाव की नीति बनने वाली है। सड़कों पर गाड़ियों के बढ़ते दबाव को देखते हुए पथ निर्माण विभाग ने उसे चौड़ा करने का फैसला सुनाया है। इसको लेकर विभाग ने काम शुरू भी कर दिया है। 1-2 महीने में इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। नीति का नाम एक्शन प्लान 2021-25 रखा गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाल ही में हुई समीक्षा में पाया गया कि राज्य के कई इलाकों ऐसे हैं जहां पर जिले के महत्वपूर्ण सड़कें अनुपयुक्त है। एसएच के लिए बन रही नीति में सड़कों के रखरखाव की कार्य योजना रहेगी, साथ ही महत्वपूर्ण और वाहनों के बढ़ते दबाव के मद्देनजर सड़कों के चौड़ीकरण की नीति बनाई जाएगी। पटना में बहन उषा देवी के घर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश। बीते दिन बिहार समेत पूरे देश में धूमधाम से राखी का त्यौहार मनाया गया, जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपनी बहन उषा देवी के घर राखी बंधवाने पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी कलाई पर राखी बंधवाई। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 3 बहनें हैं, जिनके नाम उषा देवी, इंदु देवी और प्रभा देवी है। भाई मुख्यमंत्री का एक है जिनका नाम सतीश कुमार है, जो पेशे से किसान है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते दिन पीपल वृक्ष को राखी बांधकर बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस के तहत पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी लेते देखे गए।
अब स्कूल नहीं जाने वाले छात्रों पर ऐप से रखी जाएगी निगरानी। बिहार के सभी स्कूल को खोल दिया गया है, लेकिन छात्रों की अनुपस्थिति विभाग और जिला स्तर के अधिकारियों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। हालांकि शिक्षा विभाग ऐसे छात्रों पर निगरानी रखने के लिए नई तकनीक को अपनाने जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति और साफ सफाई सहित अन्य गतिविधियों की निगरानी शिक्षा विभाग के अधिकारी बेस्ट मोबाइल ऐप के माध्यम से करेंगे। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने यूनिसेफ के सहयोग से बेस्ट यानी बिहार इजी स्कूल ट्रैकिंग ऐप विकसित की है, जिसके सहयोग से प्राथमिक और मध्य विद्यालय की मॉनिटरिंग संकुल से लेकर करके जिला स्तर के अधिकारी करेंगे। इसको लेकर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने दी है और डीपीओ और बीईओ को पत्र भेजकर नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा है। बिहार में शोध करने वाले विद्यार्थियों के लिए आई अच्छी खबर। अगर आपकी रुचि भी शोध में है तो आपके लिए यह खबर खास है, क्योंकि विश्वविद्यालय में पीएचडी और एमफिल में प्रवेश से जुड़े नियमों में अब बदलाव की तैयारी हो रही है, जिसके तहत प्रवेश के लिए सिर्फ साक्षात्कार ही चयन का आधार नहीं बनाया जाएगा। इसके साथ ही लिखित परीक्षा के भी अंकों को जोड़कर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। आपको बता दें कि अभी की व्यवस्था में लिखित परीक्षा के अंक अंतिम चयन में नहीं जोड़े जाते हैं। आने के साथ ही लिखित परीक्षा के लिए 70% अंक तय रहेंगे। इसके साथ ही साक्षात्कार के लिए 30% अंक निर्धारित होंगे। इसी आधार पर शोध करने वाले विद्यार्थियों को पीएचडी और एमफिल में प्रवेश मिलेगा। राजनीतिक दलों के झंडे बैनर लगाए तो पंचायत चुनाव में रद्द होगी उम्मीदवारी। पंचायत चुनाव को लेकर बिहार में तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसके बाद अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग भी अब तक कई अधिसूचना को जारी कर चुका है। इसी कड़ी में राज्य निर्वाचन आयोग ने जिलों को नए नए दिशा निर्देश भेजने के क्रम में साफ कहा है कि जो भी प्रत्याशी पंचायत चुनाव में उम्मीदवार बनेंगे वो किसी भी राजनीतिक दल के झंडे बैनर अपने चुनाव प्रचार के दौरान इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत दलीय आधार पर ना होकर गैर दलीय होते हैं। ऐसी स्थिति में यदि कोई प्रत्याशी किसी राजनीतिक पार्टी का झंडा बैनर इस्तेमाल करता पाया जाएगा तो उसकी उम्मीदवारी रद्द होगी। जिलाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी को जारी निर्देश में कहा गया है कि आयोग के निर्देश का 100% पालन सुनिश्चित कराया जाए। बिहार में बाढ़ ने बढ़ा दी दूध की किल्लत। बाढ़ के कारण आम जनजीवन तो काफी ज्यादा प्रभावित हुआ ही है, बाढ़ के कारण दूध की किल्लत भी सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार बाढ़ के कारण राज्य में दूध उत्पादन में भारी कमी देखी जा रही है। बाढ़ प्रभावित जिलों में जहां दूध के उत्पादन में करीब 20% की कमी आई है, इसके साथ ही कलेक्शन में भी 30% की कमी दर्ज की गई है। जानकारों की माने तो बाढ़ प्रभावित इलाकों में पशुओं को हरा चारा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, हरा चारा डूब गया है और सूखा चारा भी पानी में भीग गया है। ऐसे में पशुओं को भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा है, इसके कारण दूध उत्पादन में कमी आई है। हरे चारे की कमी की किसान पशु आहार से कर रहे हैं, इसके चलते उनका खर्च बढ़ गया है। आलम यह है कि जहां पहले 500 रुपए प्रति क्विंटल था वो वहीं बाढ़ के चलते अब 1000 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। इसके कारण पशुपालक मवेशियों को भरपेट चारा नहीं खिला पा रहे हैं। रक्षाबंधन के दिन दी शाहनवाज हुसैन ने बड़ी सौगात। रक्षाबंधन के दिन बिहार सरकार के मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बिहार को बहुत बड़ी सौगात दी है, जिसके तहत उन्होंने अपने हाथों से बिहार स्पन सिल्क मिल के 287 कर्मियों को 6 महीने का बकाया वेतन देकर एक बेहद ही उत्साहित काम किया है। उन्होंने कहा है कि भागलपुर के लोगों के लिए वो दिल का रिश्ता निभाते रहेंगे। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस तरह की योजना का इंतजार बिहार लंबे समय से कर रहा था। इस साल के लंबे इंतजार के बाद बकाए वेतन में से 6 महीने का वेतन एक साथ दे दिया गया। 30 साल से बकाया वेतन नहीं मिलने की उम्मीद छोड़ चुके लोग को जब 6 महीने का वेतन का चेक मिला तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस मौके पर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मैंने मदद का वादा किया था और मैंने पूरा किया। बीसीए क्रिकेटिंग गतिविधियों के लिए जमुई के संजय कुमार सिंह को सौंपी गई कमान। बीसीए अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी ने बीसीए क्रिकेटिंग गतिविधि की कमान जिला संघों के प्रतिनिधि संजय कुमार सिंह को सौंप दी है। इसकी जानकारी बीसीए अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी ने पत्र जारी करके दी। इस बाबत उन्होंने बताया कि बतौर कार्यकारी सचिव बिहार में क्रिकेट की गतिविधियों को आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं बीसीए क्रिकेटिंग गतिविधियों की कमान मिलने के बाद संजय कुमार सिंह ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बीसीए कमेटी ऑफ मैनेजमेंट के समस्त पदाधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया है और कहा है कि जिस आशा और विश्वास के साथ कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ने जिम्मेदारी दी है उस पर खड़ा उतरने का प्रयास करता रहूंगा और क्रिकेट की इन गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अध्यक्ष सहित पूरी कमेटी ऑफ मैनेजमेंट के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता रहूंगा। रक्षाबंधन पर इमोशनल हुए चिराग पासवान। बीते दिन राखी का त्यौहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान लोजपा सांसद चिराग पासवान ने भावुक संदेश साझा किया, जिसके तहत उन्होंने अपनी पिछली राखी की तस्वीर साझा करते हुए अपने दिल की बात लिखी है, जहां उन्होंने लिखा कि राखी का त्यौहार भाई बहनों में आपसी विश्वास का प्रतीक है। एक साल में राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने मेरे हंसते खेलते परिवार में कितना कुछ बदल दिया, पिछले साल की ही तस्वीर बयां करती है। मेरी शुभकामना है मेरे हर भाई बहन हमेशा एक दूसरे के साथ उम्र भर इस प्यार और विश्वास के रिश्ते को निभाते रहे
आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार में राजनीतिक कलह के कारण लोजपा में इन दिनों दो फाड़ नजर आ रही है। एक तरफ चिराग पासवान अलग है, वहीं दूसरी तरफ उनके चाचा पशुपति पारस अलग खेमे में है, जिसके कारण भाइयों में भी काफी ज्यादा मनमुटाव देखने को मिल रहा है। मंत्री संजय झा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। बागमती नदी में आई उफान के कारण दरभंगा शहर की बड़ी आबादी इन दिनों बाढ़ की चपेट में है। लोग इस समस्या के समाधान के लिए सरकार से लगातार गुहार करते नजर आ रहे हैं और राजनीतिक दल से भी कई लोग अब तक प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंच चुके हैं। इसी कड़ी में बीते दिन लोगों की समस्या सुनने के लिए बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा दरभंगा पहुंचे। उन्होंने शहर के रत्नोपट्टी में बागमती नदी के कटाव प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उनके साथ दरभंगा के नगर विधायक संजय सारावगी, जल संसाधन विभाग के इंजीनियर और पटना के विभागीय टेक्निकल टीम के सदस्य मौजूद थे। स्थानीय लोगों ने मंत्री को अपनी समस्या से अवगत करवाया। उन्होंने लोगों को अगले साल बाढ़ आने से पहले कटाव की समस्या का समाधान कर देने का आश्वासन दिया है। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत के दौरान संजय झा ने कहा कि बागमती नदी के किनारे रहने वाले लोगों को कटाव की समस्या से जूझना पड़ रहा है। इस साल नदी में पानी कम होने के बाद वो पटना से विभाग की एक टेक्निकल टीम भेजेंगे, जो समाधान का उपाय निकालेगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री मांझी ने कॉलेजियम सिस्टम पर जताई आपत्ति। बीते दिन हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कॉलेजियम सिस्टम पर ही सवाल उठा दिया। इस बाबत उन्होंने रविवार को ट्वीट किया कि हमारे आदिवासी भाई बहन मुख्यमंत्री बन रहे, गवर्नर बन रहे, टॉप ऑफिसर बन रहे, डॉक्टर इंजीनियर बन रहे, लेकिन कॉलेजियम सिस्टम उन्हें जज नहीं बनाने दे रहा। राष्ट्रपति से अनुरोध है कि सुप्रीम कोर्ट से आदिवासी जातियों को प्रतिनिधित्व दे। सिर्फ मांझी ही नहीं बल्कि उपेंद्र कुशवाहा ने भी इस मुद्दे को लेकर अपना बयान जारी किया था, जिसके तहत उन्होंने साफ कहा था कि कॉलेजियम सिस्टम में सही तरीके से अधिकारियों का चयन नहीं होता है, इसलिए इसे बंद करने की जरूरत है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। वल्लभ भाई पटेल 1947 में भारत के उप प्रधानमंत्री बने। झारखंड के मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने 2008 में अपने पद से इस्तीफा दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2008 में प्रदेश महिला आयोग में 16 सदस्यों को नामित किया। राजस्थान में 2012 को भारी बारिश से 30 लोगों की जान गई। प्रसिद्ध हिंदी फिल्म अभिनेत्री सायरा बानो का जन्म 1944 को हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी एवं चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख लोगों में से एक राजकुमार शुक्ल का जन्म 1875 में आज के दिन हुआ था। भारत की प्रसिद्ध महिला तैराक आरती शाह का निधन 1994 को आज के दिन हुआ था। गवास्कर ने इंग्लैंड के टेस्ट सीरीज में वापसी को लेकर दिया अपना बयान। पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गवास्कर ने आगामी भारत बनाम इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट से पहले अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो रूट की अगुवाई वाली इंग्लैंड टीम के लिए भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में वापसी बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि टीम इंडिया ने लॉर्ड्स टेस्ट जीतकर उस पर मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल कर ली है। उन्होंने कहा कि मेजबान टीम को अगर सीरीज में वापसी करना है तो खिलाड़ियों को चमत्कारिक प्रदर्शन करना होगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत ने इंग्लैंड को लॉर्ड्स में हुए दूसरे टेस्ट में 151 रनों से शिकस्त दी थी। इस जीत के साथ ही भारत ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। दोनों देश के बीच नॉटिंघम में हुआ पहला टेस्ट ड्रॉ रहा था। अब अमिताभ बच्चन की आवाज में आपके सवालों के जवाब देगी एलेक्सा। अमिताभ बच्चन और अमेजॉन एलेक्सा के बीच पिछले साल ही पार्टनरशिप हुई थी और अब एक साल बाद अमेजॉन एलेक्सा को अमिताभ बच्चन की आवाज मिल गई है। अमेजॉन एलेक्सा बिग बी की आवाज में आपके सवालों का जवाब देने वाली है, जिसके बाद अमिताभ बच्चन देश के ऐसे पहले सेलिब्रिटी बन गए हैं जो अमेजॉन एलेक्सा में अपनी आवाज देने वाले हैं। इससे पहले एलेक्सा में 2019 में अमेरिका में पहली बार किसी सेलिब्रिटी की आवाज मिली थी और वो सेलिब्रिटी थे अमेरिकी और प्रोड्यूसर सैमुअल जैक्सन। हालांकि अमिताभ बच्चन की आवाज सुनने के लिए आपको पैसे खर्च करने होंगे। लॉन्चिंग ऑफर के सालाना सब्सक्रिप्शन का शुल्क 149 रखा गया है, वहीं वास्तविक शुल्क 299 रुपए है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 22 कैरेट को प्रति 10 ग्राम अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,500 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,700 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 61,700 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 104.25 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.51 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है नीतीश कुमार, सुमन कुमार, सुमन मांझी, रोहित कुमार, रिया वर्मा, सुरेंद्र कुमार, वेद प्रकाश कुमार, मनजीत कुमार, संजीव कुमार सिंह, रिंकू कुमारी, नंदू कुमार, हमारा साथ राहुल कुमार, राहुल कुमार सिंह, रितेश, अजय कुमार, मृत्युंजय कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार सरकार ने महिलाओं के उत्थान में सराहनीय काम किया है या नहीं। अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।